बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आपको टेस्टी फूड विद्या में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शवरमा सैंडविच। शवरमा सैंडविच बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। चिकन ली हमने 1/2 kg क्यूब्स में कटी हुई। हमने एक ब्रेस्ट का पीस लिया था, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। नमक लिया है 1 teaspoon, पिसी हुई लाल मिर्च लिया है 1 teaspoon, धनिया पाउडर लिया है 1 teaspoon, काली मिर्च पाउडर लिया है 1/4 teaspoon, गरम मसाला पाउडर लिया है 1/4 teaspoon, हल्दी ली है 1/4 teaspoon, कुटा हुआ जीरा लिया है 1/4 teaspoon, दही 1/2 cup, ऑयल 1 tablespoon, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 tablespoon, सिरका लिया है 1 teaspoon। तो ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें शवरमा सैंडविच बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन में सारे मसाले ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे, ऑयल ऐड कर देंगे, सिरका ऐड कर देंगे और हम सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस पर सारे मसाले लग गए। अब इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें चिकन ऐड कर देंगे मैरिनेट हुई भी। मीडियम फ्लेम पे टेंडर होने तक पकाएंगे इसको। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, अब इसी पानी में इसको टेंडर कर लेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो देखें इसका पानी ड्राई हो गया और इसी पानी में ये बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है ये। तो रेडी हमारी चिकन, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको निकाल लेंगे। टॉपिंग करेंगे अब इसकी। ये हमने पिज्ज़ा पैन लिया, इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आपको जिसमें भी बनाना हो, यानी जिसमें आपको बेक करना हो फ्राई पैन या पिज्ज़ा पैन, तो आप उसी में इसको बनाइएगा, उसी में इसकी टॉपिंग कीजिएगा। ये हमने पीटा ब्रेड रख दिए। पीटा ब्रेड हम आपको बनाना बता चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे देती हूँ, उस पर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा पीटा ब्रेड की रेसिपी का। अब इस पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। सामने हमने चिकन रेडी करी थी वो लगा देंगे अब इस पर। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से ये शवरमा सैंडविच रेडी हो जाते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पीटा ब्रेड आप बना के आप इसको फ्रीज कर दें, किसी भी पाइपिंग बैग में रख के, हो जब आपका पिज्ज़ा शवरमा सैंडविच खाने को दिल चाहे तो बस आप ये पीटा ब्रेड निकालें, उसको बना लें। अब इस पर प्याज डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे। शवरमा सॉस डाल देंगे। चेडर चीज स्प्रेड कर देंगे। मोज़रेला चीज स्प्रेड कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखा करें, ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बने। अब इस पर ऑलिव्स लगा दे रख देंगे। हमने ब्लैक और ग्रीन दोनों ऑलिव्स लिए हैं, अगर आपके पास ब्लैक हो तो ब्लैक डाल दें, अगर ग्रीन हो तो ग्रीन डाल दें। अब इसको पीटा ब्रेड से कवर कर देंगे। चीज़ स्प्रेड करेंगे, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज। आपको जितनी ज़्यादा चीज़ पसंद हो आप अपनी मर्जी से डालें। कुटे हुए मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे, ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। शवरमा सॉस डालेंगे थोड़ा सा। ऊपर थोड़े ऑलिव्स रख देंगे। तो इसकी टॉपिंग रेडी हो गई है। अब इसको हम बेक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10-15 मिनट्स के लिए।
तो देखते हैं कितने मजे का हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे मज़ेदार आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।